अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू हाफिज़ क्लास भेजना वाला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए जी ग्रेस की वॉशिंग वेयर लेके आए हैं रमज़ान की और ईद की मुनासबत के हिसाब से। जैसे हर बंदे का मैसेज आ रहा है कि जी आगे टेलर ने सूट नहीं पकड़ने हैं तो ईद के लिए कोई चीज़ दे दें, और ईद पे इस बार जो है वो वॉशिंग वेयर पीवी वैसे ही चल रही हैं, कॉटन जो है वो कम चल रही है, कॉटन हर बंदा नहीं इस बार ले रहा ईद के लिहाज से। जो वॉशिंग वेयर कपड़ा है वो ज़्यादा चल रहा है, तो आज आपके लिए ग्रेस की वॉशिंग वेयर लेके आए हैं बास्केट के नाम से। इंतहाई खूबसूरत फैंसी वॉशिंग वेयर है ये सेल्फ के अंदर, और इसका कपड़ा भी आपको दिखाते हैं। इसके कलर स्कीम दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं, ये करीब से दिखा दें। बास्केट बाय ग्रेस सेल्फ डिजाइन के अंदर ये देखें जी, ये इसका अब आपको कपड़ा दिखाते हैं। पहले तो बहुत प्रीमियम लेवल का ये कपड़ा है और बहुत ही अच्छा डिजाइन है इसके अंदर। जिस भाई ने भी ईद के लिए भी यूज करना हो ना, ईद के ऊपर पहनने के लिए, वो भी कर सकता है। ये इसका डार्क मेरून कलर मैंने खोला है, और इसकी कपड़े की फॉल लचक आपको दिखाते हैं। हल्की सी कपड़े के अंदर शाइन भी है, और ये देखें बास्केट शर्टिंग ग्रेस, ये इसके अंदर सेल्फ डिजाइन है। एक इसके अंदर ना ब्लैक कलर की लाइनिंग भी छोटी सी चल रही है, जो कि मेरून कलर के अंदर वाजे नहीं हो रही वीडियो में। मैं आपको किसी और कलर के अंदर वो ब्लैक कलर की जो लाइनिंग है वो भी दिखाता हूँ, ताकि आपको ईजिली पता लग जाए कि सेल्फ डिजाइन इसका है क्या। ये मेरून कलर इसका खोला है, बहुत नफीस कपड़ा है, बहुत प्यारी वरायटी है। प्राइस भी आपको इसकी बताता चलूं, 3300 रुपए का ये सूट मिलेगा सिंगल सूट पे, 250 रुपए दो सूटों पे, कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं, 3300 का ये आपको सूट मिलेगा। अब इसके बाकी कलर आपको दिखाते हैं। जो ब्लैक लाइनिंग की मैं बात कर रहा था ना, वो इस कलर के अंदर सही वाजी होगी, दिखाएं जरा करीब से। ये ब्लैक लाइनिंग है कपड़े में, एक तो स्लब चल रहा है और एक ये ब्लैक लाइनिंग, जैसे ओल्ड स्पाइस कॉटन आती थी ना ग्रेस की, और शेफर की ओल्ड स्पाइस आती है, ग्रेस की लेगेसी के नाम से सेम कॉटन आती है, ये वो उस तरह का डिजाइन है, मिलता जुलता। व्हाइट स्लब भी है और अंदर ब्लैक स्लब भी है। एक व्हाइट स्लब जो है वो इस रुख का है, और इस रुख का व्हाइट स्लब है, और ब्लैक स्लब इस रुख का है, दो स्लब है। इसको आपको खोल के इस कलर को दिखाते हैं। बेसिकली इस कलर का ही रिव्यू करना चाहिए था हमें, क्योंकि इस कलर के अंदर डिजाइन बहुत प्यारा नुमाया हो रहा है। सिल्वर ग्रे कलर, यानी स्टील ग्रे कलर, सिल्वर तो लाइट होता है, ये स्टील ग्रे है। ये देखें इसको करीब से, इसकी सेल्वेज और इसका डिजाइन वाजे करते हैं, करीब लेके आए इधर। ये देखें ये ब्लैक्स, एक ब्लैक स्लब है और एक वाइट स्लब है, बहुत प्यारा। ये ईद के लिए मेरे ख्याल में बहुत अच्छी ऑप्शन है ये। तो इसका ये आपको मेरून कलर एक खोल के दिखाया, एक ग्रे कलर खोल के दिखाया, अब बाकी कलर इसके इधर रखी जाते हैं। ये जरा थान खोल के देखते हैं हम। ये जी इसका मुझे रस्ट कलर लग रहा है, रस्ट कलर इसका बहुत प्यारा होने वाला है जी, रस्ट कलर। ये करीब से दिखा दें, रस्ट शेड। ये जी इसका गोल्डन मेहंदी ब्राउन शेड, शेड नंबर 5 का, ये शेड नंबर 9 है, ये बहुत प्यारा शेड आ गया जिसका, जिंक कलर, जिंक शेड। ये देखें इसके बाद जी इसका ब्राउन शेड, डार्क ब्राउन शेड। इसके बाद जी इसका येलोइश मस्टर्ड, ये कलर मस्ट बाय है। इसके ऊपर जो ब्लैक का डिजाइन है, कोशिश करें करीब से दिखाएं जरा, जो ब्लैक का डिजाइन है बहुत आला लग रहा है इसके ऊपर, ये कलर के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ब्लैक। लें जी इसका डार्क ग्रे, ये भी 110% रेकमेंडेड कलर है, ब्राउनिश ग्रे, डार्क ब्राउनी और ग्रे कलर, क्या खूबसूरत ये कलर है, बहुत प्यारा डिजाइन के अंदर आला चीज लग रही है, हटके बहुत अच्छा लग रहा है ये। ये देखें डार्क ग्रे, ये थे जी इसके कलर्स, एक वन बाय वन आपको दिखा देते हैं। इधर से शुरू करते हैं, ये येलोइश मस्टर्ड टाइप ब्राउन कलर है, ब्राउन कह लें या गोल्डन कह लें, गोल्डन ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये इसका डार्क ब्राउन शेड है, ये इसका ऑरेंज रस्ट कलर है। इसके बाद जी ये इसका मेहंदी ब्राउन गोल्डन सा शेड है, ये इसका जिंक शेड है, ये इसका स्लेट ग्रे शेड है, डार्क मेरून शेड और डार्क ग्रे शेड। ये था जी इसके कलर्स, 3300 का ये सूट मिलेगा, और 250 रुपये एक सूट पे, दो सूटों पर कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं। ईद के लिए वैसे पहनने के लिए बहुत अच्छी वरायटी है, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अपना भी इसके अंदर से एक सूट सिलवाऊं, क्योंकि हट के चीज आई है। आम तौर पे जो सेल्फ आ रहे हैं ना, वो या तो डॉबी फिनिश के अंदर आ रहा है, हर ब्रांड डॉबी फिनिश तो हर ब्रांड दे रहा है ना, इसके अलावा स्लब आता है जो आम स्लब एमए फैब्रिक्स वाला या और भी ब्रांड दे रहे हैं, इसके अलावा कोई डिजाइन हट के नहीं आ रहा, ये हट के डिजाइन आया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह आपका हमें नासिर हो, अल्लाह हाफिज़।